1926 में आज ही के दिन मशहूर गीतकार, संगीतकार, गायक और अभिनेता भूपेन हजारिका का जन्म हुआ था। इन्होंने कविता लेखन, पत्रकारिता और फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों में भी काम किया है। भूपेंद्र पहली ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने असमिया संस्कृति को विश्व मंच तक पहुंचाया। इन्होंने 10 वर्ष की उम्र में अपना पहला गीत लिखा और गाया। असमिया भाषा की फिल्मों से भी उनका नाता बचपन में ही जुड़ गया था। 1939 में 12 वर्ष की उम्र में भूपेन ने असमिया भाषा में निर्मित फिल्म इंद्रमालती में काम किया। भूपेन करीब 70 साल तक पूर्वोत्तर के साथ बॉलीवुड में भी अपनी आवाज की वजह से छाए रहे। इन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। 1933 में मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्म हुआ था। 1957 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर का गाना मांग के साथ तुम्हारा से इन्हें लोकप्रियता मिली। आशा 1960 से 1970 के बीच मशहूर अभिनेत्री हेलन की आवाज बनी। आशा भोसले ने फिल्मी और गैर फिल्मी जगत के करीब 16,000 गाने गाए हैं और इनकी आवाज के दीवाने पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन्होंने 800 से अधिक फिल्मों में 10,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। आशा भोसले का नाम दुनिया में संगीत की 20 शीर्ष हस्तियों में शामिल किया गया है। दिल चीज क्या है, पिया तू अब तो आजा, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, जाइए आप कहां जाएंगे, मैं प्यार का राही हूं आदि इनके बेहतरीन नगमे हैं। आशा ने दो फिल्मों में भी अभिनय किया है जिसमें एक हिंदी और एक मराठी फिल्म शामिल है। 1981 में गीत दिल चीज क्या है और 1986 में गीत मेरा कुछ सामान के लिए इन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2001 में आशा को फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। 1943 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इटली ने समर्पण की घोषणा की थी। इटली ने बिना शर्त मित्र सेना के साथ युद्ध विराम संधि पर दस्तखत किए। मित्र सेना के कमांडर जनरल आइजनहावर ने कहा कि इटली सरकार हिंसा खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ हर कदम पर सहमत है। इटली की सरकार ने मुसोलिनी के निधन के 3 हफ्ते बाद युद्ध विराम करने का सुझाव दिया, लेकिन उस वक्त इस पर अमल नहीं किया जा सका। असल में संधि पर 3 सितंबर को ही सिसली में दस्तखत हो गए थे, लेकिन इटली पर मित्र सेना के हमले को देखते हुए इसे गुप्त रखने का फैसला किया गया था। 1986 में आज ही के दिन चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति अगस्टो पिनोशे पर जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में पिनोशे बाल बाल बच गए, लेकिन उनके 5 अंग रक्षकों की मौत हो गई थी और 11 लोग जख्मी हो गए थे। यह हमला तब हुआ जब पिनोशे अपने गांव से लौटते हुए चिली की राजधानी सैंटियागो में दाखिल हुए, तभी अचानक 12 विद्रोही लड़ाकों ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। हमले के बाद राष्ट्रपति पिनोशे ने 90 दिन की इमरजेंसी लागू कर दी, जिससे उन्हें लोगों को हिरासत में लेने और सेंसरशिप लागू करने की शक्ति मिल गई। और 8 सितंबर पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के शिक्षा और सांस्कृतिक विभाग यूनेस्को ने 1966 में पहली बार विश्व साक्षरता दिवस मनाया था। साक्षरता का तात्पर्य सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं, बल्कि यह सम्मान, अवसर और विकास से जुड़ा विषय है। दुनिया में शिक्षा और ज्ञान बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी माध्यम है। साक्षरता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य है नव साक्षरों को उत्साहित करना। भारत सरकार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, प्रौढ़ शिक्षा योजना, राजीव गांधी साक्षरता मिशन आदि अभियान चलाती है। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 है, वहीं महिलाओं में साक्षरता दर 65.46% है। भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को स्कूल में मुफ्त शिक्षा का अधिकार है, लेकिन यहाँ पर 40% से अधिक लड़कियां 10वीं कक्षा तक स्कूल जाना बंद कर देती हैं।